क्लिस्टर एम्वे का सबसे ज्यादा सेलिंग प्रोडक्ट है। और आपको पता है जब आप रात को ब्रश करके नहीं सोते हो आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया और वायरसेस डेवलप कर जाते हैं, हमारे दांतों के ऊपर वाली लेयर जिसको एनामल कहा जाता है उसको डैमेज करते हैं, आपके दांतों के अंदर कैविटी है ना, ये सब चीजें अगर होती है ना, दांत खराब हो जाता है, तो वो सब चीजें रात का ब्रश ना करने की वजह से ही होती है, क्योंकि रात को ही हमारे मुंह के अंदर ना सलाइवा प्रोडक्शन इतनी नहीं हो रही होती है, रात को सलाइवा प्रोडक्शन इतनी नहीं हो रही होती है हमारे मुंह के अंदर, तो उस सलाइवा के अंदर ना मिनरल्स होते हैं जो बैक्टीरियाज एंड वायरसेस को डेवलप ज्यादा नहीं करने देते। बट जब हम सो जाते हैं हमारे मुंह के अंदर उतना सलाइवा नहीं बनता और जिससे मेरे मुंह के अंदर बैक्टीरियाज और वायरसेस डेवलप हो जाते हैं, जो मैंने रात को खाना पीना खाया था वो दांतों में भी थोड़ा बहुत फंसा हुआ है, तो उसको उसके ऊपर बैक्टीरियाज और वायरसेस डेवलप कर जाते हैं और कैविटी शुरू हो जाती है। ठीक है जी, ग्लिस्टर मल्टी एक्शन टूथपेस्ट एक ऐसा टूथपेस्ट है जो 7 तरीके के बेनिफिट्स देता है आपको, 7 टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स इन ओनली सिंगल वन प्रोडक्ट, इसलिए इसको मल्टी एक्शन टूथपेस्ट कहते हैं, मल्टी एक्शन टूथपेस्ट इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे सातों के सातों बेनिफिट्स इन्होंने मेंशन करे हैं। दांतों की व्हाइटनिंग करना, ब्रीदिंग को फ्रेश करना, डायबिटीज से फाइट करना, प्लाक को रिमूव करना, दांतों की ऊपर वाली परत जिसको हम एनामल कहते हैं उसको उसको पॉलिश करना प्रॉपर तरीके से, चाय कॉफी एंड टोबैको जैसे स्टेन्स को रिमूव करना, और सातवां इसका बेनिफिट है विच इज कि ये दांतों की रीमिनरलाइजेशन करता है, ये रहा रेमिनैक टेक्नोलॉजी। रेमिनैक का मतलब होता है रीमिनरलाइजेशन एक्शन, ठीक है, ये हमारे दांतों की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, दांतों के आपके मुंह के अंदर मिनरलाइजेशन को कर लेके आता है, जैसे ही हमारे दांतों के अंदर हमारे मुंह के अंदर मिनरलाइजेशन होती हैं वैसे ही हमारे दांत सेफ होने शुरू हो जाते हैं, दांतों की एनामल अगर सेफ है, दांतों की ऊपर वाली परत सेफ है तो सेफ है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं सेब है जो एप्पल का छिलका उतार दूं और दूसरी साइड पे छिलके वाला एप्पल रख, एक बिना छिलके वाला एप्पल है एक छिलके वाला एप्पल है, कौन सा एप्पल जल्दी खराब होगा, कौन सा एप्पल जल्दी खराब होगा, बिना छिलके वाला एप्पल जल्दी खराब होगा ना, क्यों, क्योंकि उसमें से मिनरल्स खत्म हो जाते हैं, उसमें से मिनरल्स खत्म हो जाते हैं, तो एनामल क्या है, एनामल भी तो मिनरल्स को मेंटेन ही कर रही है हमारे दांतों के अंदर, एनामल इज आल्सो अ आउटर लेयर ऑफ योर टीथ जो कि हमारे दांतों की सुरक्षा करती है, अगर वही खत्म हो जाएगी तो फिर दांतों के ऊपर बहुत जल्दी दिक्कतें आ जाएंगी। ओके जी, सो क्लिस्टर मल्टी एक्शन मतलब इस प्रोडक्ट की मैं जितनी मर्जी तारीफ कर लूं उतनी कम है, ये प्रोडक्ट की जितनी तारीफ हो जाए ना उतनी कम है। ओके, 270 रुपए का ये प्रोडक्ट है, 190 ग्राम्स, और मार्केट के प्रोडक्ट से कम मात्रा में लगता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं, कम मात्रा में लगता है ना, और बहुत ही अमेजिंग इसके अंदर बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, एंड इसका टेस्ट बड़ा अच्छा मिंट फ्लेवर के अंदर आता है, और आपको पता है ग्लिस्टर हमें 12 घंटे की प्रोटेक्शन देता है, दांतों को 12 घंटे की प्रोटेक्शन देने का काम करेगा ग्लिस्टर एक बार करके, तो दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं ना दिन में, तो दिन में दो बार करना जरूरी है कि नहीं है, सुबह सुबह अगर मैंने 8 बजे करा ब्रश तो रात को मुझे 8-9 बजे तक कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, हम डिनर कहते हैं 8 बजे तक कर लीजिए, 9 बजे तक ब्रश कर लीजिए और सो जाइए उसके बाद 10-11 बजे तक, यही सही स्केड्यूल है, ठीक है, सो दिस शुड बी फॉलोड, एंड अपने दांतों का ध्यान रखें। आपको पता है आपको दांतों को सिर्फ साफ उसलिए नहीं करना है कि आपके मुंह में से स्मेल ना मारे, सिर्फ वही रीजन नहीं है, आपको पता है अगर आप बिना ब्रश करे खाना खा लेते हो तो वो बैक्टीरियाज और वायरसेस जब आपके पेट के अंदर जाते हैं तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी खराब करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को भी खराब करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को भी गिरा देते हैं,
आपके लिवर की हेल्थ को भी खराब करते हैं, तरह तरह की बीमारियां क्रिएट करते हैं। क्या हम जानते हैं इस चीज के बारे में? सो बेसिकली हमें अपने मुंह की हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, मुंह की हाइजीन को मेंटेन सिर्फ इसलिए नहीं करना है ताकि हमारे मुंह में से स्मेल ना मारे, उसके लिए भी करना है कि ताकि हमारी बॉडी अंदर से स्वस्थ रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा सेम कैटेगरी में प्रोडक्ट आता है ग्लिस्टर मल्टी एक्शन टूथपेस्ट हर्बल। अब हर्बल में ना बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सारे की सारी चीजें सेम है हर्बल के अंदर, बस ये 11 तरीके की हर्ब्स का इस्तेमाल किया हुआ है इसके अंदर एक्स्ट्रा। ये 11 तरीके की हर्ब्स इसके अंदर एक्स्ट्रा मौजूद होती है, ठीक है। यूकलिप्टल हो गया आपका, जिंजर हो गया, स्प्रेमिंट हो गया, टी ट्री हो गया, बैसल्स हो गया, ठीक है, कैम्फर, नीम, पेपरमिंट, क्लॉफ, मुलेठी, लेमन, ऐसे 11 तरीके की हर्ब्स का इस्तेमाल किया हुआ है। और इसके पैक के ऊपर ना इसके बेनिफिट्स भी लिखे हुए हैं कि जैसे जिंजर हो जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से दूर करता है, स्प्रेमेंट जो है वो अच्छी खुशबू देता है, टी ट्री जो है बैक्टीरियाज को खत्म करता है, मुलेठी जो है वो स्वीटनेस एंड सॉफ्टनेस लेके आती है, स्वीटनेस लेके आती है, लेमन जो है वो अच्छा टेस्ट लेके आता है, ऐसे करके इन सभी चीजों के बेनिफिट्स लिखे हुए हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर ही लिखे हुए हैं। और उसके अलावा वो साथ के साथ बेनिफिट्स दे ही रहा है, दांतों की वाइटनिंग, प्लाक को रिमूव करना, कैविटी से फाइट करना, क्लीन करना दांतों को, ब्रीदिंग को अच्छा करना, रीमिनरलाइजेशन करना। रेमिनैक टेक्नोलॉजी इसके अंदर भी होती है, लिखा हुआ है ना, रेमिनैक टेक्नोलॉजी इसके अंदर भी होती है डेफिनेटली। 295 रुपीज का आपका ये प्रोडक्ट है, 190 ग्राम्स। और आप दोनों में से अपनी पर्सनल चॉइस है आपकी, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तो दोनों इस्तेमाल करता हूं, देखिए एक दिन मैं ये कर लेता हूं, एक दिन वो कर लेता हूं, जिस दिन जो करने का मन करता है मैं वो कर लेता हूं दोनों में से। मेरे घर पे तो दोनों ही रखे हुए हैं, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल्सो ग्रेट प्रोडक्ट। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इंसान है जो ब्रश नहीं करता, तो हर किसी घर में जा सकता है ये प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे परसोना सोप के बारे में। मार्केट के जो सोप्स आते हैं, हजारों तरीके की केमिकलाइजेशन उसके अंदर करी होती है, हार्मफुल केमिकलाइजेशन, बट हमारे वाले सोप के अंदर ऐसी कोई भी हार्मफुल केमिकलाइजेशन नहीं करी गई है जो कि हमारे बेसिकली जो कि हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाए। इसके अंदर ना तीन बेसिक, अच्छा आप में से कितने लोगों को जब आप मार्केट के सोप्स इस्तेमाल करते थे या फिर करते हो, तो आप में से कितने लोगों को नहाने के 10-15-20 मिनट के बाद स्किन के ऊपर ड्राइनेस महसूस होनी शुरू हो जाती है? स्किन के ऊपर ड्राइनेस महसूस होने शुरू हो जाती है कि नहीं हो जाती जब आप नहा के बाहर आते हो, और 10-15-20 मिनट के बाद स्किन के ऊपर ड्राइनेस महसूस होने शुरू हो जाती है, खराश होने शुरू हो जाती है, व्हाइट लाइंस बननी शुरू हो जाती है स्किन के ऊपर, नाखून मारते हो ना तो व्हाइट लाइंस बननी शुरू हो जाती है। उसका मतलब क्या है कि आपके स्किन का सारा मॉइस्चर खा गई वो सोप, आपके स्किन का सारा मॉइस्चर खा गई वो सोप। बट मैं गारंटी देके कहता हूं, मैं गारंटी देके कहता हूं कि इस प्रोडक्ट से ऐसा नहीं होगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले नहा के आया हूं, ठीक है। सो मुझे अपनी स्किन के ऊपर बिल्कुल ड्राइनेस इस समय महसूस नहीं हो रही है, 2 घंटे हो गए लगा लीजिए, अब अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 घंटे हो गए, तो आप लगा लीजिए बिल्कुल ड्राइनेस नहीं महसूस हो रही है अभी भी, इट्स अमेजिंग। और मैं, ये मेरा पर्सनल फीडबैक है, मैंने इससे अच्छा सोप आज तक जिंदगी में नहीं देखा, ये मेरा पर्सनल फीडबैक है। आपका क्या फीडबैक है वो मैं नहीं जानता, ठीक है, बट ये मेरा पर्सनल फीडबैक है। और ये चीज पता है क्यों पॉसिबल होती है, ये चीज पता है क्यों पॉसिबल होती है, क्योंकि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स बहुत अमेजिंग, विटामिन ई है इसके अंदर। नहाते टाइम भी आपकी स्किन रिपेयर हो रही है,
विटामिन ई की मदद से, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसके अंदर, इसकी मदद से आपकी स्किन रिपेयर हो रही है नहाते टाइम भी। स्वीट आलमंड ऑयल की मदद से आपकी स्किन का मॉइस्चर लेवल चोरी नहीं करती, सो खत्म नहीं करती है मॉइस्चर लेवल आपकी स्किन का। थर्डली ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्या है? ग्लिसरीन उसी मॉइस्चर को लॉक करने का काम करती है आपकी स्किन के अंदर। स्वीट आलमंड ऑयल का मॉइस्चर हमारी स्किन के अंदर लॉक करने का काम ग्लिसरीन करती है। ये तीन बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर डाले हुए हैं ना, वही इंग्रेडिएंट्स इस सोप को ऐसा सोप बना देते हैं विच इज अनबिलीवेबल, अमेजिंग। और कितने का पड़ता है? सिर्फ 153 एमआरपी का। एंड बिलीव मी, जो लोग कहते हैं ना कि महंगा है, जो लोग कहते हैं महंगा है, मेरे कहने पे एक बार इस्तेमाल करके देखिए। आप इस्तेमाल करके देखिए, 6 साल से ऊपर आप किसी भी इंसान को दे सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए। 6 साल से ऊपर, 6 साल से ऊपर आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। सो इतनी बेहतरीन क्वालिटी है इस प्रोडक्ट। आगे चलते हैं, आज का आखिरी प्रोडक्ट डिस्कस करते हैं जिसका नाम है सैटनिक 2-in-1 शैम्पू एंड कंडीशनर। ये प्रोडक्ट भी बहुत अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग है। 2-in-1 है, इसके अंदर कंडीशनर भी है, इसके अंदर शैम्पू भी। शैम्पू जो है बालों की क्लींजिंग करेगा, डर्ट ऑयल पॉल्यूशन इन सब चीजों को रिमूव करेगा आपके बालों से। और कंडीशनर जो होता है वो आपके बालों को उलझन से बाहर निकालेगा। उलझे उलझे हुए नहीं रहेंगे आपके बाल, टैंगल फ्री हो जाएंगे आपके बाल, और आपके बाल बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर ना बोराज सीड ऑयल होता है एंड विटामिन ई होता है। विटामिन ई तो आपको पता ही है क्या करता है, हमारे स्कैल्प की रिपेयरिंग करेगा स्किन की, और मॉइस्चर लेवल अच्छे करेगा। बोराज सीड ऑयल भी मॉइस्चराइजेशन, अच्छी नरिशमेंट देने में मदद करता है, आपके वीक स्पॉट्स को रीबिल्ड करने का काम करता है, कमजोर स्पॉट्स को रीबिल्ड करने का काम करता है। बालों के लिपिड लेवल को मेंटेन करेगा, बालों के कैरेटिन्स को मेंटेन करेगा, ये बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करेगा, ओके जी। और सिर्फ 460 रुपए का है। इसके सैशेज भी आते हैं तो सैशेज भी खरीद सकते हैं आप। 30 सैशेज का एक पैक भी आता है, वो भी खरीद सकते हो, ठीक है, और ये भी खरीद सकते हो। अगर किसी को ट्राई करवाना है ना तो 3-4 सैशेज उसको गिफ्ट कर दो, 3-4 सैशेज उसको गिफ्ट कर दो। जब वो ट्राई करेगा ना घर पे जाके, जब इसकी क्वालिटी उसको पता चलेगी, तब जाके उसको पता चलेगा, ओके जी। एंड शैम्पू को ना आपने हर रोज इस्तेमाल नहीं करना, 2 या 3 दिन के बाद आपने इस्तेमाल करना है एक बार, ऑल राइट। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोडक्ट काम करता है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में तो आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए, आई डेफिनेटली आंसर दोज क्वेश्चंस।